हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल नेचुरल होम ब्यूटी अनुपमा में। फ्रेंड्स, जैसे कि गर्मियों का सीजन स्टार्ट हो गया है, सभी जगहों पे गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है, लेकिन महाराष्ट्र यानी मुंबई में फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा गर्मियाँ हो रही है। तो उससे बचने के लिए मैं कुछ आप लोग के साथ टिप्स और ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से हमारी स्किन जो होती है वो ब्लैक पड़ने लगती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप होती है और जो लोग वर्कर होते हैं बाहर जाते हैं तो उनकी स्किन बिल्कुल डैमेज हो जाती है, उनकी स्किन ब्लैक पड़ने लगती है, क्योंकि हमारी स्किन में जो मेलानिन की मात्रा होती है फ्रेंड्स वो बढ़ जाती है गर्मियों में और धूप में जाने के कारण बढ़ जाती है, और हमारे चेहरे पर सनबर्न की समस्या होने लगती है। सनबर्न तो होना ही होना है आपकी, चाहे जैसी स्किन हो, आपकी ड्राई हो या नॉर्मल हो, अगर आप धूप में जाते हो तो आपको सनबर्न होता ही है। तो आप अगर उसे प्रॉपर रूप से अच्छे से अपनी स्किन की केयर नहीं करते हो तो बाद में चल के बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, मुंबई की गर्मी जो है कुछ ज़्यादा ही अभी इसी टाइम में होने लगी, ये समझिए कि 35 के ऊपर टेम्परेचर हो चुका है, और जैसे कि यूपी में भी स्टार्ट हो गया है गर्मी, लेकिन यहाँ के मुकाबले कम है। तो आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि मुंबई की गर्मियों से बचने के लिए बहुत ही अच्छी सी टिप्स है, जिसे यूज करके आप अपनी स्किन को बिल्कुल रिलैक्स फील करवा सकते हो और उसके साथ साथ अपनी स्किन की कोई भी प्रॉब्लमों से छुटकारा पा सकते हो। तो आपकी अगर स्किन ब्लैक हो रही है धूप में जाने के कारण, अगर हम वर्कर हैं, काम करने के लिए बाहर जाते हैं तो हमें जाना ही पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ अपनी स्किन की केयर करना भी ज़रूरी होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग को बहुत ही अच्छी और बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी शेयर करने वाली हूँ, जो कि 100% नेचुरल है। इसे यूज करके आप अपने चेहरे को ब्लैक होने से बचा सकते हैं, सनबर्न से बचा सकते हैं, उसके साथ साथ स्किन टाइट होगी, और इसके बहुत सारे इफ़ेक्ट हैं। आप लोग इसे यूज कीजिएगा, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा, और ये बिल्कुल नेचुरल है फ्रेंड्स, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। और उसके पहले मैं आप लोग को ये शेयर करना चाहती हूँ, ये है सनस्क्रीन, अगर आप बाहर जाते हैं तो इसे लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। इसे अगर आप लगाएंगे तो आपको सूरज की कीड़ों से ये बचाएगा, हानिकारक कीड़ों से, और आपके चेहरे पर सनबर्न की समस्या नहीं होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, उस रेमेडी को देखते हैं जो कि हमने बनाया है, और इसे आप रख कर इस रेमेडी को जो मैं आप लोग को शेयर करने वाली हूँ उसे आप 10 दिन तक भी यूज कर सकती हो। तो फ्रेंड्स, इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा कुकुम्बर यानी खीरा। ये जो होता है हमारी स्किन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है, खासकर समर सीजन में, और इस तरह हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। आप चाहें तो छोटे टुकड़ों में मिक्सर ग्राइंडर में भी ग्राइंड कर सकते हैं। इसमें पाया जाता है विटामिन सी और विटामिन ई, साथ ही आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करता है, क्योंकि इसमें पाया जाता है ढेर सारा वाटर, जो कि हमें समर सीजन के लिए बहुत ही वेस्ट रहता है। और इसका हम जूस नहीं निकालेंगे, इसको प्योर ले लेंगे, क्योंकि ये काफ़ी बारीक है। और इसमें मैं एलोवेरा मिक्स की हूँ 1/2 टीस्पून के बराबर, और थोड़ा सा मिल्क हमने यूज किया है, और मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी समर सीजन के लिए बहुत बेस्ट है फ्रेंड्स। उसके बाद बस इसे जो है हम फ्रीजर के बॉक्स में इस तरह जो है रख कर हम इसे 3 से 4 घंटा के लिए रख देंगे, ताकि ये आइस क्यूब बन जाए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि आइस क्यूब बन गया है, 3 से 4 ही घंटे में ये बहुत ही अच्छे से आइस क्यूब बन गया है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप इसे जितना भी बनाएंगे, मतलब कि 10 दिन के लिए भी आप बना सकते हो, आप डेली अप्लाई कर सकते हो। आप कहीं से आ रहे हो बाहर से, आपकी स्किन काफ़ी रेडनेस दिख रही है, या आप घर पर ही, आपको बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण आपकी स्किन बिल्कुल डन हो गई है और आपके स्किन से बहुत ज़्यादा पसीने निकलते हैं, ऑयली ऑयली लगता है फेस, तो आप इस रेमेडी को ट्राई कर सकते हैं। इससे आपके ऑयल भी कंट्रोल होंगे, साथ में आपकी स्किन के रेडनेस भी जाएंगे, और इस तरह आप जब अप्लाई करेंगे तो ये मेल्ट होता चला जाएगा। उसके बाद आप लास्ट में जब थोड़ा सा बचेगा तो इस तरह फेस पैक की तरह अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप इसे सूखने तक वेट कीजिएगा और उसके बाद वॉश कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ये फेस पैक का भी काम करेगा, साथ ही आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, आपको सनबर्न से राहत मिलेगी और आपकी स्किन भी काफ़ी टाइट लगेगी। आइस क्यूब जो होता है फ्रेंड्स, हमारी स्किन पोर्स को टाइट करने में काफ़ी हेल्प करता है, साथ में आपके चेहरे भी काफ़ी ग्लोइंग दिखेंगे। तो आप इस तरह जो है आप ट्राई कर सकते हो, बनाकर आप 10 दिन के लिए भी आप फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हो, और उसके बाद आप कोई भी टोनर या रोज़ वाटर अपने चेहरे पर अप्लाई कर लीजिए, और अप्लाई करने के बाद आप कोई मॉइस्चराइज़र क्रीम वगैरह लगा सकते हो।
फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि कितना इफेक्टिव रेमेडी है और हर कोई बना सकता है इसको। बनाना और लगाना भी आसान है, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि अगर आपने एक दिन बना दिया तो आराम से 10 दिन तक आप इसे यूज कर सकते हो। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। आपके चेहरे पर बहुत सारे इफेक्ट होंगे इससे, आपके चेहरे ब्लैक नहीं होंगे। दूसरे नंबर पर कि आपके चेहरे पर अगर सनबर्न की समस्या है उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। आपकी स्किन पोर्स भी मिनिमाइज होंगे, आपकी स्किन काफ़ी टाइट दिखेगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग को वीडियो कैसी लगी बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। और आप लोग को अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और फर्स्ट बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपना सपोर्ट बनाइएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई ब्यूटी टिप्स के साथ। तब तक के लिए बाय।